तीन तीन घंटे की कटौती, अघोषित कटौती, जबकि पहले कांग्रेस की सत्ता थी 10 से 15 मिनट से ज्यादा कभी भी लाइट नहीं गई, अगर मेंटेनेंस के नाम पे भी इन्होंने लिया तो। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। आज हमने यहाँ जिलाधीश महोदय से एक कांग्रेस का हमारा शिष्टमंडल मिला है, जिसके अंदर हमने स्थानीय समस्याओं को लेकर जो बात की है। कुछ दिन पूर्व आना सागर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और उसके पानी छोड़ने से अजमेर शहर की सारी निचली बस्तियां जो है वो जलमग्न रही और लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाए। उस संदर्भ में कहा है कि जब बरसात आती है उस वक्त हम सुध लेते हैं, अभी से अगर उसकी सुध ली जाए, क्योंकि आना सागर में लाखों टन मलवा इन्होंने उस वर्किंग को करने से डाल दिया, साथ ही जो है उसका जो पूरा क्षेत्रफल था उसको आधा कर दिया, तो उससे वो उसकी क्षमता समाप्त होने से आना सागर बहुत जल्दी फुल होगा और ये समस्या तो लगातार हर बार आएगी। और हर बार आएगी तो क्या जनता अजमेर की इसी तरह पानी में डूबती रहेगी या इसी तरह घरों में बैठी रहेगी पानी के बीच में? तो इस समस्या के लिए एक हमने बात की। साथ ही दीपावली आने को है, अजमेर की सड़कें जो बदहाल स्थिति में है, कुछ दिन पूर्व एक महिला की डेथ हो गई यहाँ कचहरी रोड पे, साथ ही सैकड़ों लोगों के किसी के हेड इंजरी, किसी के फ्रैक्चर जिस तरह गिरने से हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अधिकारी लेंगे या यहाँ के जनप्रतिनिधि लेंगे? इस चीज़ के लिए भी हमने अभी बात किया कि दीपावली से पहले पहले पूरे रोड दुरुस्त होकर नया डामरीकरण होना चाहिए मुख्य मार्गों पर। साथ ही तीन तीन घंटे की कटौती, अघोषित कटौती, जबकि पहले कांग्रेस की सत्ता थी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कभी भी लाइट नहीं गई, अगर मेंटेनेंस के नाम पे भी इन्होंने लिया तो। अब तो प्रतिदिन तीन घंटे की कटौती हो रही है हर क्षेत्र में, तो उसके लिए टाटा पावर को पाबंद किया जाए, ABBNL को पाबंद किया जाए कि इस तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की। जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जब क्यों नहीं गई है? आज क्या ज़रूरत पड़ रही है कि इतनी कटौती ये कर रहे हैं? साथ ही पानी की सप्लाई, एक तरफ बीसलपुर से पानी छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ शहर में 96 घंटे में पानी की सप्लाई हो रही है, हमने 48 घंटे में पानी की सप्लाई हो, इस चीज़ के लिए कलेक्टर महोदय को जो है हमारा ज्ञापन पत्र सौंपा है। साथ ही इसके अलावा अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नज़दीक में विजय लक्ष्मी पार्क है, जहाँ की आम आदमी की सुविधा के लिए जो मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों के रुकने के लिए यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग नगर निगम द्वारा या जिला प्रशासन राज्य सरकार के स्तर पर निर्माण कराए, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से हजारों लोग जो है गांवों से और दूसरे स्थानों से आते हैं जिनके पास अजमेर में रुकने की जगह नहीं है, और होटलों में लाखों रुपए जो है परिजनों के खर्च होते हैं इन चीज़ों में, व्यवस्थाओं में। तो उससे निजात पाने के लिए विजय लक्ष्मी पार्क का ठेका नहीं किया जाकर इसको जो है तुरंत प्रभाव से जो है BOT पे दें, चाहे सरकार अपने स्तर पर बनाए, इसको बनाकर उन लोगों मरीजों के परिजनों के लिए उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के साथ साथ नगर निगम की जिम्मेदारी भी है कि आए हुए नागरिकों को या यहाँ के निवासियों को जो है सुविधा मुहैया कराएं।